आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। आज कपाट खोल दिए गए हैं। कपाट खोलने से पहले बद्रीनाथ मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ खोले गए। सेना के बैंड की धुनों के साथ 6:15 में ये कपाट खुले। बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। धाम खोलने के लिए आदि शंकराचार्य की गद्दी और भगवान विष्णु के वाहन गरुण जी की मूर्ति तेल कलश यात्रा के साथ जोशी मठ के नृसिंह मंदिर से अपने अगले पड़ाव योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंचा दी गई थी। चार धाम यात्रा में भारी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। आपको बता दें कि एक दिन में 15,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। दर्शन के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से सभी तैयारियां कर ही पूरी कर ली गई थी। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, एक तरह से देखा जाए तो क्या कुछ तैयारी आप वहां पर देख पा रहे हैं? जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी है, क्या वैसी ही तैयारियां जमीनी स्तर पर नजर आ रही है और कितने की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं? सबसे अहम बात यह है कि आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए, किस तरह का नजारा आज देखने को मिला सुबह के वक्त? जी, निश्चित तौर पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। करीब 6:15 पर कपाट खुले हैं। कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं में उत्साह रहा, जो हजारों की संख्या में जो कपाट खुलने के समय जो श्रद्धालु थे वह वहां पर मौजूद थे, जयकारे लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला था। इसके साथ ही शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर था। जो 15,000 की संख्या रखी गई है, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो संख्या है वह 15,000 की थी, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का काम किया गया है। अब यह कह सकते हैं कि जो चारों धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, अब यात्रा पूरी तरीके से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं का जो चारों धामों में पहुंचना शुरू हुआ है और आज बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है और जो श्रद्धालु हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा था। और जो अपनी बारी का जो श्रद्धालु हैं वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे दर्शन के लिए, कहीं ना कहीं उत्साह देखा गया था। इसके साथ ही जो सेना की धुन है, सेना की धुन पर जो सेना की धुन बजाई गई थी और कपाट खुलते समय में, इसके साथ ही गेंदे के फूलों से बद्रीनाथ को सजाया गया था, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो उत्साह देखने को मिल रहा था श्रद्धालुओं में, उत्साह देखने को मिल रहा था, जो वहां की जनता है उनमें उत्साह देखने को मिल रहा था। इसके साथ ही शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर था, क्योंकि चार धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए काफी अहम मानी जाती है। जी चलो, तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। नवीन, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो प्रशासन की तैयारी किस तरह की, व्यवस्थाएं किस तरह की है और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए क्या कुछ जरूरी किया गया है? निश्चित तौर पर चार धाम यात्रा को लेकर और अगर बद्रीनाथ की बात की जाए तो जो संख्या है वो सीमित की गई है। ऋषिकेश से मॉनिटरिंग की जाती है, जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनकी बाकायदा उनका लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है, इसके बाद ही उन्हें भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में लगा हुआ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चारों धामों की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जो श्रद्धालु और जो यात्री हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। और मॉनिटरिंग 2 साल बाद इस तरह से तैयारियां की गई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जिस तरह से केदारनाथ में रिकॉर्ड भी बना, 23,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, वैसे ही अगर हम बद्रीनाथ की बात करें तो लगभग 15,000 जो यात्री जो है श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए।